अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो का टॉपिक है द ज्यू ऑफ माल्टा, जो कि एक प्ले है और क्रिस्टोफर मार्लो ने इसे लिखा है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन हम इसकी समरी की तरफ मूव करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस प्ले का ओरिजिनल टाइटल है द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द रिच ज्यू ऑफ माल्टा। इसे 1589 में लिखा गया, 1592 में इसे स्टेज पे परफॉर्म किया गया एंड देन 1633 को इसे पब्लिश किया गया। ये 5 एक्ट्स पर बेस्ड एक ट्रेजेडी है जिसे ब्लैक वर्क्स में लिखा गया है। इसके प्ले राइट का क्या नाम है, पहले ही हम बता चुके हैं, क्रिस्टोफर मार्लो, जिसका बहुत ही शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन है। अब क्यों शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन है, बिकॉज इसे कत्ल कर दिया गया था। इसका लाइफ स्पैन है 1564 से 1593 एंड ही इज़ आल्सो नोन एज किट। जब ये यंग था तो इसे किट कहकर पुकारा जाता था। ये एक एलिजबेथन पोइट है, यानी कि ये एलिजबेथन पीरियड से बिलोंग करती हैं। और ये पैदा कहाँ पे हुए, कैंटरबरी कैंट इंग्लैंड में पैदा हुए। इसका लिटरेरी पीरियड है द इंग्लिश रेनेसां। और ये जॉनरा कौन सा है, किस जॉनरा में ये प्ले लिखा गया है, रिवेंज ट्रेजेडी। इसकी सेटिंग क्या है, ऑफकोर्स माल्टा, आइलैंड ऑफ माल्टा इन द मेडिटेरियन सी इन द 16th century। माल्टा वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ये इसकी सेटिंग जो है माल्टा है, जो कि एक आइलैंड है मेडिटेरियन सी पे। और उस टाइम पे माल्टा जो था अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था। इस प्ले के नैरेटर कौन है, मैकावेल, जो कि एक गोस्ट है एंड ही इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ निकोलो मैकावेली। निकोलो मैकावेली को तो आप जानते होंगे, ये एक डिसेस इटालियन डिप्लोमेट है 16th century के, जिसका बहुत ही फेमस एक वर्क है द प्रिंस। तो इस प्ले का नैरेटर क्या है, वो एक गोस्ट है जो कि मुजस्माए मैकावेली है, एम्बॉडीमेंट ऑफ निकोलो मैकावेली है। ओके, प्रोटैगनिस्ट कौन है इस प्ले के, बराबस, द रिचेस्ट ज्यू ऑफ माल्टा, जो कि बहुत ही रिच किस्म का यहूदी है माल्टा का। अबाउट द प्ले फॉलोज द मैकेनिशन स्कीमिंग ऑफ इट्स मेन कैरेक्टर बराबस। अगर इस प्ले की बात की जाए तो ये प्ले किसके गिर्द घूमता है, बराबस, जो कि मेन कैरेक्टर है उसी के गिर्द घूमता है और उसकी मकारियों के गिर्द घूमता है। लेकिन इस प्ले का विलन सिर्फ यहूदी बराबस ही नहीं है, बल्कि इसमें हर करदार मुजस्मा शैतान नजर आता है। आई होप इंट्रोडक्शन से आपको इस प्ले का कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। अब चलते हैं इसकी समरी की तरफ। इस प्ले का आगाज इटली के बदनाम जमाना सियासी मुफक्किर मैकावेली की तकरीर से होता है, जिससे रीडर इस प्ले की थीम को समझ सकते हैं। इस प्ले के आगाज में ही हमें पता चल जाता है कि जो यहूदी बराबस है वो बेइंतहा दौलत का मालिक है और इसका कारोबार मुख्तलिफ सिमतों में फैला हुआ है। अब इंट्रोडक्टरी सीन के दौरान ही बराबस को माल्टा के गवर्नर फर्नेस की तरफ से एक मीटिंग में शमूलियत का पैगाम आता है, लेकिन बराबस जो है उस पैगाम को टोटली नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि बराबस अपने मकराना जहन की बदौलत समझ जाता है कि इस मीटिंग का ताल्लुक ट्रिब्यूट यानी टैक्स से है, जो माल्टा की रियासत ने 3 साल से टर्क्स को अदा नहीं की थी। यहाँ टर्क्स तुर्कों की बात हो रही है, टर्क्स ने भी 3 साल तक इस टैक्स की अदायगी का मुतालबा ना किया। क्यों ना किया, ताकि टैक्स की रकम इतनी बढ़ जाए कि माल्टा की छोटी सी रियासत इसे अदा ना कर सके और आखिरकार इस पर कब्जा किया जा सके। तो मीटिंग का जो दरअसल मकसद भी यही था कि टर्क्स जो थे अपने टैक्स की वसूली के लिए आए हुए थे, तो फर्नेस ने उनसे 30 दिन की मोहलत तलब की हुई थी ताकि इस रकम का बंदोबस्त किया जाए। अब वो मीटिंग के बाद जो गवर्नर है फर्नेस, वो एक इंतहाई नामुनासिब ऐलान करता है। अब वो ऐलान क्या करता है, उस ऐलान की 3 बातें बहुत ज़्यादा अहम है। नंबर 1, ये कि ज्यूस की आधी दौलत पर कब्जा कर लिया जाए। नंबर 2 पे ज्यूस इस टैक्स से अगर बचना चाहते हैं तो वो अपना मज़हब छोड़कर, यानी कि ज्यूस का मज़हब छोड़कर क्रिश्चियंस हो जाए। एंड नंबर 3 पे जो इस हुक्म की खिलाफवर्जी करे या उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा उसकी तमाम दौलत पर कब्जा कर लिया जाएगा। ये 3 मेन पॉइंट्स थे उस ऐलान के। अब चूंकि बराबस उस मीटिंग में मौजूद ना था, इसलिए उसने अपनी आधी दौलत देने से इनकार कर दिया। तो नतीजे के तौर पर क्या हुआ, तो नतीजे के तौर पर ये हुआ कि उसकी तमाम दौलत पर कब्जा कर लिया गया, हत्ता कि उसका जो घर था जिसमें वो रह रहे थे वो भी छीन कर चर्च को दे दिया गया।
चूंकि ये सब कुछ ब्रेबस के लिए इंतहाई अचानक होता है, तो वो जब उससे उसका घर छीन जाता है तो वो क्रिश्चियन से बदला लेना चाहता है। अब वो बदला लेने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल करता है। उसकी बेटी का नाम होता है एबिगेल। वो एबिगेल से कहता है कि वो उस घर में जाए जो गवर्नर के हुक्म पर उनसे हथियार लिया गया है तो और चर्च को दे दिया गया, ये बहाना करे कि वो अब क्रिश्चियन मजहब इख्तियार करके नन बनना चाहती है। तो बरेबस ने, चूंकि उस घर के सेहन में काफ़ी ख़जाना छुपाया होता है, तो वो अपनी बेटी का इस्तेमाल करके उसे उस घर में भेजकर वो ख़जाना हासिल करना चाह रहा होता है। तो एबिगेल अपने बाप की हिदायत पर अमल करते हुए क्रिश्चियन मजहब इख्तियार करने का ड्रामा करती है और फिर रात की तारीकी में तमाम दौलत निकाल कर अपने बाप के हवाले कर देती है। अब अगले सीन में जो बरेबस की बेटी एबिगेल है, उसको माल्टा का एक नौजवान जिसका नाम मथायस होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उससे शादी का ख्वाहिशमंद होता है। तो दूसरी तरफ जो माल्टा का गवर्नर फर्नेस है, उसका भी एक बेटा होता है जिसका नाम लॉडविक है, वो भी बरेबस की बेटी को पसंद करता है। अब चूंकि ये दोनों नौजवान जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, इसीलिए बरेबस इन दोनों को तबाह करने की एक तरकीब सोचता है। चूंकि वो क्रिश्चियन से बदला लेना चाहता है ना, तो वो इसीलिए एक तरकीब सोचता है। वो अपनी बेटी एबिगेल को हिदायत देता है कि वो दोनों नौजवानों से उल्फत का इज़हार करे और दोनों को और ये तासर दे कि वो उनसे मोहब्बत करती है। अब एबिगेल इस बात पर एहतजाज करती है क्योंकि वो दिल से मथायस को चाहती होती है। अपने बाप के मजबूर करने पर वो ये ड्रामा करने पर भी तैयार हो जाती है। अब बरेबस एक स्कीम के तहत पहले लॉडविक को अपने घर बुलाता है और दूसरी तरफ उसे एबिगेल से मिलने का मौका फराहम करता है और फिर मथायस को भी वहीं बुला लेता है। अब मथायस जब एबिगेल और लॉडविक को इकट्ठा देखता है तो आग बगोला हो जाता है, बहुत गुस्से में आ जाता है और यूं बरेबस दोनों दोस्तों के दरमियान नफ़रत का बीज बोने में कामयाब हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि उसके बाद वो एक जैली खत मथायस की तरफ से लॉडविक को लिखता है जिसमें सुलह की दावत होती है और वो ये खत अपने एक नए खरीदार गुलाम एथमोर के ज़रिए रवाना करता है। एथमोर भी यहूदी की तरह ईसाइयों से नफरत करता है और सिहा करतूत का हामिल शख्स है। चुनाचे साजिश के नतीजे में जब बरेबस दोनों नौजवानों यानी कि लॉडविक और मथायस को एक दूसरे के हाथों कत्ल करवाने में भी कामयाब हो जाता है। अब दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल का जब एबिगेल को पता चलता है तो वह नहायत गम में मुब्तला हो जाती है, खसूसन जब उसे ये पता चलता है कि इस तमाम साजिश के पीछे उसके बाप का हाथ है। चुनाचा अपने बाप से इंतकाम लेने के लिए वह दोबारा क्रिश्चियन बनने का इरादा करती है और एक क्रिश्चियन पादरी यानी कि क्रिश्चियन प्रीस्ट जेकोमो के सामने क्रिश्चियन मज़हब कबूल कर लेती है। जब बरेबस को इस तमाम सूरत हाल का इल्म होता है तो वो क्या करता है, वो एक और साजिश तैयार करता है और अपने गुलाम जो इथमोर है उसको एक जहर आलूद चावलों का ट्रे देता है और चर्च भेज देता है। चूंकि क्रिश्चियन सेंट जैको का दिन मना रहे होते हैं, इसलिए इथमोर पर जहर आलू चावल खामोशी से वहाँ चर्च के दरवाजे पर बतौर खैरात रखकर वापस आ जाता है। जो वहाँ पे तमाम नन्स थी वो ये चावल खाकर मर जाती हैं, जिनमें बरेबस की अपनी बेटी एबिगेल भी शामिल होती है। लेकिन मरने से पहले वो क्रिश्चियन अकीदे के मुताबिक अपने तमाम गुनाहों का एक क्रिश्चियन पादरी जेकोमो नेडन के सामने एतराफ़ कर लेती हैं। अगरचे इस एतराफ़ी गुनाह को खुफिया रखा जाता है, लेकिन दोनों प्रीस्ट जो हैं, दोनों क्रिश्चियन प्रीस्ट जो हैं वो बरेबस को ब्लैकमेल करने का मंसूबा तैयार करते हैं। अब वो ये भूल जाती हैं कि बरेबस उनसे ज़्यादा चालाक और होशियार है। अब दूसरी तरफ बरेबस भी एक साजिश तैयार करता है और वो साजिश बहुत ही कामयाब गुजरती है। वो करता क्या है, वो उन दोनों पादरियों को ये बोलता है कि वो ज्यूस को छोड़कर ईसाई यानी कि क्रिश्चियन मज़हब इख्तियार करना चाहता है। जो कोई भी उसे क्रिश्चियन बना देगा वो उस पादरी को अपनी आधी दौलत दे देगा। इस पर वो दोनों जो पादरी थे, वो दोनों जो प्रीस्ट थे,
वो आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। ताहम दोनों को वो मना करके भेज देता है और जोकोमो को कहता है कि वो रात 1 बजे उसके घर आए और उसे तन्हाई में मिले। अब जोकोमो के जाने के बाद ब्रेबस उसके गुलाम इथामोर को बर्नीडर पर हमला करके उसे मार देते हैं। उसके बाद वो उसे लाठी के ज़रिए सहारा देकर खड़ा कर देती हैं, जिससे यूं महसूस होता है कि वो पादरी वो प्रीस जिंदा खड़ा है। अब मुकर्रर वक्त पर जोकोमो जब ब्रेबस के घर दाखिल होता है तो उसकी नज़र उस प्रीस बर्नीडन पर पड़ती है। वो ये समझता है कि शायद ये दूसरा पादरी उस पर हमले के लिए खड़ा है, तो अब वो अपनी लाठी से बर्नीडन के सर पे मारता है और उसे मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। तो उसी दौरान ही ब्रेबस और उसका जो गुलाम है इथामोर अंदर दाखिल होते हैं और शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं कि जोकोमो ने बर्नीडन को कत्ल कर दिया। अब इसके नतीजे में होता क्या है कि जोकोमो को अदालत की तरफ से फांसी दे दी जाती है। अब दूसरी तरफ इथामोर यानी कि उस गुलाम की भी एक स्टोरी चल रही होती है। इथामोर एक तवायफ एक प्रोस्टिट्यूट बेलामीरा के हुस्न का आसीर हो जाता है। अब चूंकि बेलामीरा एक लालची औरत है और जो इथामोर को कहती है कि अगर ब्रेबस का कोई राज उसे मालूम है तो वो उसे ब्लैकमेल कर उसे रकम बटोर लें। चुनाचे इथामोर एक खत बेलामीरा के नौकर पिलिया बुर्जा के जरिए भेजता है जो ब्रेबस से रकम का तकाजा करता है। इस तरह वो बार बार पैसों का मुतालबा करते हैं और ब्रेबस को ब्लैकमेल करता रहता है। अब ब्रेबस जो है उसकी इस ब्लैकमेलिंग से तंग आ जाता है तो उससे बदला लेने की ठान लेता है। वो एक सिंगर का रूप धार कर इथामोर और बेलामीरा के पास पहुंच जाता है। वो उनके लिए बांसुरी बजाता है और उनको एक फूलों का एक गुलदस्ता तोहफे के तौर पर पेश करता है। उन फूलों में उसने स्लो पॉइजन छिड़का होता है। अब खुद ब्रेबस बहाने से वहां से गायब हो जाता है और कुछ देर के बाद बेलामीरा माल्टा के गवर्नर फर्नेस के पास पहुंच जाती है और उसे ब्रेबस के तमाम जरायम के मुतालिक बता देती है। अब उस ब्रेबस का जो गुलाम है इथामोर वो भी अपने तमाम जरायम का एतराफ़ कर लेता है। और कुछ ही बाद ये खबर आती है कि ब्रेबस का गुलाम इथामोर वो प्रोस्टिट्यूट बेलामीरा और उसका मुलाजिम जो है पिलिया बोर्सा वो जहरीली फूल सूंघने से उनकी मौत वाकई हो गई है। अब फर्नेस जो है इस पर ब्रेबस की गिरफ्तारी का हुक्म दे देता है। तो ब्रेबस इंतहाई चालाकी से मौत का बहाना करता है और उसकी लाश को दूर कहीं फेंक दिया जाता है। अब दूसरी तरफ इस कहानी के साथ साथ एक और प्लॉट भी माल्टा के सियासी हालात पॉलिटिकल हालात के मुतालिक भी चल रहा होता है और हमें पता चलता है कि माल्टा के गवर्नर को स्पेन की तरफ से टर्स के खिलाफ मदद की यकीन दहानी करवाई जाती है तो तुर्कों को टैक्स देने से इनकार कर देता है। अब इस बार टर्क्स माल्टा पर चढ़ दौड़ती हैं और माल्टा का मुहासरा कर लेते हैं और इसी मुहासरे के दौरान ब्रेबस की लाश मिलती है जो दरअसल मरने का बहाना कर रहा होता है। अब ब्रेबस अब तुर्कों को अपनी मदद का यकीन दिलाता है और उसकी मदद से टर्क्स एक खुफिया रास्ते के जरिए माल्टा में दाखिल हो जाते हैं और माल्टा पर कब्जा कर लेते हैं। ब्रेबस को इसकी खिदमत के सिले में माल्टा का गवर्नर बना दिया जाता है और फर्नेस को उसके तमाम दरबारियों और जर्नैलों समेत गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, ब्रेबस एक और चाल चलता है। वो फर्नेस को कैद से निकलवाता है और उसके सामने तजवीज़ रखता है कि वो तमाम टर्क्स फौजियों को मरवा देगा अगर उसे कसीर मिकदार में दौलत मिल जाए तो। अब फर्नेस इसकी तजवीज़ को कबूल कर लेता है। अपने प्लान को अमली मंसूबा पहनाने के लिए ब्रेबस एक दावत का एहतमाम करता है जिसमें टर्क जर्नैल कैलमेट और दूसरे टर्क फौजियों को दावत देता है। दरअसल वो दावत का एहतमाम एक गहरी खाई के ऊपर करता है और फर्नेस को कहता है कि जैसे ही बगल बजे वो उस रस्सी को काट दे ताकि खाई के ऊपर जमाए गए तख्ते हट जाएं और टर्क कमांडर फौजियों समेत उसमें गिर जाएं। अब ये वो सब प्लान करता है। अब फर्नेस भी एक चाल चल रहा होता है दूसरी तरफ, क्योंकि ब्रेबस की खसलत को वो समझ चुका होता है
चुनाचे तर्कों की आम के साथ जब ब्रेबस उन्हें आगे आने की दावत दे रहा होता है, फर्नेस रस्सा काट देता है और यूं ब्रेबस अपने अंजाम को जा पहुंचता है और गहरी खाई में गिर जाता है। जब तुर्क जनरल वापस जाने के लिए मुड़ता है तो फर्नेस उसे रोकता है और बताता है कि उसके तमाम साथी कैदी बना लिए गए हैं, लिहाजा वो अब तभी जा सकता है जब वो माल्टा को मुनासिब टैक्स अदा करे ताकि जो तबाही हुई उसका अजाला हो सके। अब इस ड्रामे में राइटर ने एक ऐसी दुनिया का अहवाल बयान किया है जहां हर एक दूसरे को धोखा दे रहा है और खुदा की इबादत की बजाय लक्ष्मी यानी कि पैसों की परस्तिश की जा रही होती है। इसी के साथ ही इस प्ले का इख्तिताम हो जाता है और मैं आपसे इस वीडियो से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।